कोशेक इनवर्स एक्स, कोशेक को इधर ले आएंगे तो यह आ जाएगा कोशेक वाई इज इक्वल टू एक्स। यदि हम इसको फंक्शन मान ले y का तो एफ वाई इज इक्वल टू आ जाएगा कोशेक वाई। यदि y के प्लेस पर y प्लस एच पुट कर दें तो यह आ जाएगा कोशेक y प्लस एच। यदि हम डी एक्स अपॉन डी वाई फर्स्ट डेरीवेटिव फाइंड करें तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई और अपॉन एच, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ वाई प्लस एच है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे कोशेक y प्लस एच, माइनस एफ वाई है एफ वाई का वैल्यू पुट कर देंगे कोशेक y और अपॉन एच, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो कोशेक y को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन y प्लस एच और माइनस वन अपॉन कोशेक y को साइन y कंप्लीट अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा दोनों ही आ जाएगा साइन y प्लस एच और इंटू साइन y दोनों आ जाएगा। इसका इंटू इधर कर देंगे साइन y माइनस इसका इंटू इधर साइन y प्लस एच और कंप्लीट अपॉन h बाई वन कुछ नहीं। तो ये वैल्यूस है डी एक्स अपॉन डी वाई का, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ये सबसे ऊपर वाले का इंटू वन से कर देंगे तो वही आ जाएगा साइन y माइनस साइन y प्लस एच और अपॉन एच का इंटू इसके साथ तो ये आ जाएगा h साइन y प्लस एच और इंटू साइन y। डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब यहां पर देखते हैं इसी को वन टाइम्स और लिख रहा हूं मैं साइन y माइनस साइन y प्लस एच अपॉन एच साइन y प्लस एच इंटू साइन y। ज्यों का त्यों लिख दिया हमने कुछ नहीं किया। यहां पर एक फार्मूला लगाएंगे ये c है और ये d है, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये फार्मूला होता है साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। फार्मूला अप्लाई करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा लिमिट 2 cos c है c के प्लेस पर y प्लस d है d के प्लेस पर y प्लस h और डिवाइडेड बाय 2 ये हम पुट कर देंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट इंटू साइन c माइनस d, c के प्लेस पर क्या y माइनस d है d के प्लेस पर y प्लस h और कंप्लीट अपॉन 2 और अपॉन में है h साइन y प्लस एच इंटू साइन y, एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू कॉस y और y हो जाएगा टू वाई अपॉन टू प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन y माइनस y कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस h और बाई टू आ जाएगा और कंप्लीट अपॉन है साइन y प्लस एच और इंटू साइन y। ये h है h को हम इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इंटू वन बाई टू करेंगे और इंटू वन बाई टू हम कर सकते हैं क्योंकि वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा तो वही आएगा टू से टू कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो इसको हम लिख सकते हैं cos 2 से 2 कैंसिल y प्लस एच बाई टू इंटू साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और अपान आ जाएगा एच बाई टू और यहां पर है साइन y प्लस एच और इंटू साइन y। माइनस है सबसे माइनस आउट कर देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो कॉस y प्लस एच बाई टू और अपॉन साइन y प्लस एच और इंटू साइन y इंटू फिर इधर लिमिट लगा देंगे h टेंडिंग टू जीरो साइन
एच बाई टू अपॉन एच बाई टू, तो ये मिल जाएगा माइनस, यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, एच के प्लेस पर जीरो पुट कर देंगे, यहाँ एच है यहाँ जीरो पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉश वाई अपॉन साइन वाई इंटू मिल जाएगा हमको साइन वाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं कॉस वाई साइन है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट वाई इंटू वन अपॉन साइन है तो इसको हम लिख सकते हैं कोशेक वाई। ये जो वैल्यूस आया ये किसका है, डी एक्स अपॉन डी वाई का। इधर यदि आप लोग लिख लिए होंगे तो हम मिटा देते हैं। ये जो वैल्यू आया है डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू आ गया हमारे पास कॉट वाई इंटू कोशेक वाई का, इसको चेंज कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा वन अपॉन कॉट वाई इंटू कोशेक वाई। वन अपॉन कॉट वाई का फार्मूला जानते हैं हम, ये होता है कोशेक स्क्वायर वाई माइनस वन, और ये होता है कोशेक वाई। यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस है माइनस है माइनस है और ये माइनस है ये माइनस, तो आ जाएगा माइनस वन अपान रूट ओवर कोशेक वाई का वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू कोशेक वाई एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन अपान एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।